गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन. लेट्स स्टार्ट अवर डे विद अ मोटिवेशनल कोट. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. बेटा, अपने बड़ों की आपने रिस्पेक्ट करनी है, उनका कहना मानना है. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 9. The name of the lesson is Internet and Email. Today we will do page number 103, page number 104 and page number 105 of our computer book. First of all, do new words of this chapter. First is Internet. 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 Internet क्या है? Computers का एक बहुत बड़ा network. Number 2, Modem. 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 Modem एक डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है. Number 3, सर्च इंजन. SEARCH. सर्च. ENGINE. इंजन. सर्च इंजन इंफॉर्मेशन को सर्च करने में हमारी हेल्प करता है. जब भी हमें इंटरनेट से इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम इसी सर्च इंजन का यूज करते हैं. नंबर 4, नेटिकेट. NETIQUETTE. नेटिकेट. नेटिकेट क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम इंटरनेट यूज करते हुए फॉलो करते हैं. नेटिकेट इज सेट ऑफ रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो व्हाइल यूजिंग इंटरनेट. ओके, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज इंटरनेट एंड ईमेल. जैसा कि आजकल आपको पता है, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो घर पर. पढ़ाई आप कैसे कर रहे हो? यूजिंग इंटरनेट. यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो उसमें आप इंटरनेट का यूज करते हो. व्हाट्सएप पर मैम को काम भेजते हो तब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो. तो आज हम अपना न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा इंटरनेट से रिलेटेड है. ओके, सो इन दिस चैप्टर टुडे वी विल लर्न अबाउट इंटरनेट. आज हम कौन से टॉपिक करेंगे? नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. सेकंड इज यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के यूजेस पढ़ेंगे. आप लोग करते हो ना इंटरनेट यूज? ठीक है. थर्ड इज रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट इंटरनेट. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट जो है बेटा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है. मैनी ऑफ द डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, मोबाइल्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप पीसीज आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. अब कैसे कनेक्टेड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड? हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कनेक्ट दीज कंप्यूटर्स? थ्रू वायर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ पॉसिबल थ्रू सैटेलाइट्स. देखिए, आप लोगों ने ऐसे बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे. तो दीज टावर्स आर द ISP टावर्स. इंटरनेट इज लाइक अ बिजी रोड. जिस तरह से एक रोड पर बहुत सा ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर आप रूल्स को भी फॉलो करते हैं और अपना ध्यान आप खुद रखते हैं. सिमिलरली ऑन द इंटरनेट डाटा ट्रेवल्स लाइक गेम्स, वीडियोस, कार्टून्स, ईमेल्स एक्सेट्रा ट्रेवल ओवर द इंटरनेट एंड दैट इज कॉल्ड डाटा. हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट.
In 1969, the United States Defense Department set up ARPANET. 1969 में United States का जो Defense Department था, Defense Department कौन सा होता है, जैसे हमारे इंडिया में है Air Force, Navy, तो इसी तरह से जो United States का Defense Department था, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट किया था थ्रू इंटरनेट, ओके, एंड दैट वाज कॉल्ड ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. दिस नेटवर्क वाज एस्टेब्लिश्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और ये नेटवर्क जो था बेटा, ये नेटवर्क डिफेंस डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के साथ सेटअप किया गया था सो दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन. ARPANET वॉज बिल्ट टू सेटअप इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मिलिट्री पर्सोनल एंड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स. बेसिकली ये जो इंटरनेट था, ARPANET था, इट वॉज कनेक्टेड द मिलिट्री पर्सोनल्स एंड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स. लेटर दिस नेटवर्क वॉज मेड ओपन टू न्यूमरस यूनिवर्सिटीज़. और बाद में फिर ये नेटवर्क जो था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन कर दिया गया इन ऑर्डर टू शेयर ऑल द रिसोर्सेज, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें. इंटरनेट इज यूज्ड टू डू मैनी असेंशियल एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिंग विद पीपल लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस, टू डू बिजनेस, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, टू डू ऑनलाइन शॉपिंग, टू बुक मूवी, रेलवेज, बस एंड एयर टिकट्स. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड. इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. दीज कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू सम मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन्स, केबल्स एंड सैटेलाइट्स दैट एनेबल देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इफेक्टिवली. नाउ फर्स्ट यूज इज कम्युनिकेशन. वी कैन कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट एंड देर आर थ्री वेज टू कम्युनिकेट. फर्स्ट इज ईमेल, सेकेंड इज वीडियो कॉलिंग एंड थर्ड इज वॉइस कॉलिंग. बेटा ईमेल क्या होती है, व्हेन वी सेंड अ मैसेज यूजिंग इंटरनेट दैट इज कॉल्ड ईमेल. वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग क्या होती है, यू कैन सी ईच अदर, यू कैन टॉक टू ईच अदर बाय यूजिंग वीडियो कॉलिंग मोड. ओके, आपकी ऑनलाइन पीटीएम होती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग होती है ना उसमें. नेक्स्ट इज वॉइस कॉलिंग, जब हम किसी को भी फ़ोन करते हैं उससे बात कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉइस कॉलिंग. वॉइस कॉलिंग में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं विदाउट वॉचिंग ईच अदर, एक दूसरे को देख नहीं सकते बट हम सिर्फ बात कर सकते हैं. और अगर हम वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं. नेक्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग, यू कैन परचेज एनीथिंग ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं. देयर आर सम वर्चुअल स्टोर्स, हमारे इंटरनेट पर हमें बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री एक्सेट्रा. यू कैन यूज दीज स्टोर्स एंड कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग. ई बुकिंग, यू कैन बुक होटल रूम्स, एयर टिकट, बस टिकट एक्सेट्रा यूजिंग द
इंटरनेट। आप घर बैठे बैठे ही इंटरनेट की हेल्प से कोई भी टिकट, किसी भी तरह का ऑनलाइन टिकट आप बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। बैंक की जितनी भी ऑपरेशंस हैं आप घर बैठे बैठे उनको कर सकते हैं यूजिंग ई बैंकिंग। ओके, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यू कैन डू ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बैंक एट योर होम वाइल यूजिंग ई बैंकिंग। किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन इंटरनेट की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। लास्ट इज एंटरटेनमेंट। यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन प्ले गेम्स ऑनलाइन फॉर योर एंटरटेनमेंट। यूजेस ऑफ इंटरनेट। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। वी कैन कम्युनिकेट विद समवन इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट। सम कॉमन कम्युनिकेशन टूल्स आर नंबर वन ईमेल। इट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स नोन एज ईमेल्स। सम ईमेल सर्विसेज आर जीमेल, याहू एंड हॉटमेल। सेकेंड इज वीडियो कॉलिंग। टू मेक अ वीडियो कॉल अ वेब कैम एंड माइक्रोफोन मस्ट बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर्स एट बोथ द एंड्स। वीडियो कॉलिंग अलाउज द अदर पर्सन टू सी यू वंस दे ज्वाइन द कॉल। थर्ड इज वॉइस कॉलिंग। इट अलाउज यू टू मेक कॉल्स टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। विथ सच अ फैसिलिटी इन प्लेस वन कैन स्पीक विद द अदर पर्सन बट दे कैन नॉट सी ईच अदर अनलेस दे स्विच ऑन द वीडियो। नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग। इट इज पॉसिबल टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। सम पॉपुलर वर्चुअल स्टोर्स आर Amazon, Flipkart, Paytm, Myntra एंड सो ऑन। थर्ड इज ई बुकिंग। यू कैन बुक ट्रेवल टिकेट्स, मे बी एयर, रेलवे और बस टू एंड फ्रॉम अ प्लेस। इन एडिशन यू कैन ऑल्सो बुक मूवी टिकेट्स, होटल रूम्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। यू कैन परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम विद जस्ट अ क्लिक। नेक्स्ट इज सर्च। यूजिंग इंटरनेट वन कैन सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। You can read books, watch movies, videos and sports online. Now, requirement for internet. Internet के लिए बेटा हमें किस चीज़ की requirement है? Number one, we need a PC. Okay? Second thing, modem. Modem क्या करता है? It provides a link between internet and user. देखिए, ये हमारा internet service provider है और ये हमारा कंप्यूटर है। मॉडम इन दोनों के सेंटर में है। तो मॉडम क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। मॉडम कैन बी ऑफ टू टाइप, इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम। जो एक्सटर्नल मॉडम होता है बेटा, वो आपको इस तरह से बाहर दिखाई देगा लगा हुआ,
और जो इंटरनल मॉडम होता है वो सीपीयू के अंदर फिट होता है, वो बाहर अलग से दिखाई नहीं देता। ओके, थर्ड इज डेटा ट्रांसफ़र मीडिया। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत है कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। अब हमें सपोज़ इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है, वी कैन ट्रांसफ़र इट बाय यूजिंग अ केबल। हम एक केबल लगा के इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ वायर्ड, वायर्ड मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र डेटा। और वी कैन ट्रांसफ़र डेटा यूजिंग द सैटेलाइट। देखिए, अगर हम इंटरनेट से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, यूजिंग द सैटेलाइट, सैटेलाइट की हेल्प से। दिस इज़ वायरलेस। देयर आर सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक BSNL, Airtel, MTNL। बेटा ये सारे क्या हैं, हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा है मोबाइल में BSNL का सिम भी हम डालते हैं, Airtel का सिम डालते हैं, और भी सिम हैं, Jio का सिम डालते हैं। तो ये सारे जो हैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। इनके अपने टावर्स लगे होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से डाटा ट्रांसफ़र होता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट कनेक्शन। सम डिवाइसेस एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। नंबर वन, इंटरनल मॉडेम इज फिक्स्ड इनसाइड अ कंप्यूटर। नंबर टू, एक्सटर्नल मॉडेम इज अ सेपरेट मशीन दैट कुड बी वायर्ड और वायरलेस। नेक्स्ट इज बिट्स पर सेकेंड, BPS इज द यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ मॉडेम। नाउ पेज नंबर 105, डेटा ट्रांसफ़र मीडिया। टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट अ मीडियम इज नीडेड। दिस मीडियम इज नोन एज डेटा ट्रांसफ़र मीडियम विच कैन बी वायर्ड, दैट मीन्स टेलीफोन लाइन, और वायरलेस, वायरलेस मीन्स थ्रू एयर। नेक्स्ट इज ISP। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स इंटरनेट सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर अ फी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ISPs आर Airtel, Vodafone, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दैट इज MTNL, भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज BSNL, एंड आइडिया सेल्युलर। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।